नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि की उंगली, यानी कुल मिलाकर सही निर्णय लेने के लिए सूर्य के पहले कट तक जाती है तो बहुत शानदार कहलाती है। अगर यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार की होती है और थोड़ा गड्ढे के अंदर ये उंगली जाती हुई प्रतीत होती है तो इसका मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई जल्दीबाजी ना करें और जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई भी बड़े निर्णय के लिए आपको खास तौर से घर के बड़ों से संपर्क करके ही फैसला करना चाहिए। तो चलिए, ये बुध की उंगली यारदास के हिसाब से कुल मिलाकर ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और नॉर्मल रूप से ऊपर से नीचे तक एकदम समरूप से बनी हुई है। बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति परिवार से नहीं होता है, लेकिन सम्मान से होता है। साथ ही साथ सूर्य की उंगली यहाँ बृहस्पति की उंगली से थोड़ा बड़ी है, यानी कि जीवन के उत्तरार्ध के बाद, यानी कि लगभग लगभग ऐसा समझिए कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज की उम्र के बाद में आपके ज़्यादा प्रगति होने वाली है। अब बात करूँगा यहाँ शनि की उंगली की। हर कासा टर्न लेकर के शनि की उंगली मुड़ी है यहाँ बृहस्पति की तरफ। जब इस प्रकार से उंगली टर्न लेती है तो व्यक्ति को जीवन के पूर्वार्ध में काफ़ी संघर्ष कराती है, मेहनत कराती है, तब जा कर के उसको उसका सम्मान, उसका धन उसको प्राप्त होता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर के यहाँ पर ये सेकंड पर कुछ कट का निशान है, यानी पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाला ये पर्व यहाँ पर इस प्रकार की यह कट को मौजूद करता है। साथ ही साथ भगवान की पूजा पाठ, इस चीज़ में भी व्यक्ति दान पुण्य में भी ध्यान देता है। चलिए, ये सब हो गया। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर 3 से 4 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है। ये रेखा यदि व्यक्ति के हाथ में हो जाती हैं तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में उसको संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। आइए बात करता हूँ यहाँ मैं आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य के पर्वत और बहुत अनुकूल रेखाएँ यहाँ पर खड़ी हैं। यदि ऐसा व्यक्ति आयु के अधखंड में अच्छी खासी मेहनत करता है तो गवर्नमेंट के सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सेक्टर के अंदर व्यक्ति को जॉब प्राप्त होती है। यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं साथ ही साथ अगर व्यापार करे तो उसमें थोड़ी सी भागदौड़ को दर्शाती है। अब बात करता हूँ, यहाँ सम्मान तो बना रहेगा, इस प्रकार का चिन्ह भी है। यहाँ बात करते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व और अनुकूल रेखाएं, यहाँ जीवन के 55 के बाद की जो रेखाएं ये खड़ी हैं बहुत ही अनुकूल अवस्था में, यानी जीवन का जो बेहतरीन आपके समय में जो आने वाला है वो आपका समय होगा जीवन का 55 वर्ष का समय, यानी 55 वर्ष के बाद में बहुत अनुकूलता के साथ ये रेखा आपको साथ दे रही है, जो आपको धन सम्मान गाड़ी मकान सब कुछ देने वाली है। बात कर लेते हैं एक और बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ बृहस्पति का पर्वत और यहाँ पर एक दो रेखाएं यदि खड़ी मिल जाती हैं तो ही व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको मकान प्राप्त हो जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ ये रेखाएँ खड़ी हैं तो इस प्रकार को बताती हैं कि आप अपने जीवन में मकान बनाएंगे। कई बार ऐसे व्यक्तियों को 2 रेखा खड़ी होती है, 3 खड़ी होती हैं तो पैतृक से भी कुछ मकान मिलता है। तो चलिए, ये बृहस्पति का पर्व यहाँ पर अनुकूल अवस्था के अंदर खड़ा हुआ है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर ये खड़ी हुई रेखाएँ, यानी कि कुल मिलाकर के अच्छा खासा बचपन आपका बीता और कुल यहाँ पर जाकर ये रेखाएँ बिल्कुल जाकर शनि पर्व की तरफ से बढ़ती हुई आगे बृहस्पति पर्व तक देखने वाली हृदय रेखा यहाँ थोड़ा सा हल्का सा ये दीप आ रहा है। जब इस प्रकार का दीप आता है तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा विवाह में देरी को दर्शाता है। अगर विवाह में देरी ना हो, पत्नी के साथ में थोड़ा अनबन के संकेतों को दर्शाने वाली स्थिति को मान सकते हैं। तो हृदय रेखा पर अभी कोई बहुत बड़ी बीमारी का रोग नहीं मिला, थोड़ा सा ये दीप यहाँ से यहाँ तक बन रहा है कुल मिलाकर के। तो ये जो दीप है ये आपके जीवन में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 5 से 6 यहाँ पर साल से आप नजले से परेशान हैं, तो ये दीप जो बना हुआ है यहाँ बना हुआ है ये दीप कुल मिलाकर के 42 से 43 वर्ष से लेकर के और लगभग लगभग आप जिस समय मुझसे बात कर रहे हैं यहाँ तक ही, मैं समझता हूँ ये नजले का जो कारण है इसका कुछ ना कुछ उपाय आपको मिल जाएगा। चलिए, अब ये हो गया, इसके बाद कोई रोग का संकेत यहाँ पर हृदय रेखा में नहीं है। अब बात करेंगे हम आपकी इसके बाद में सीधा सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं साहस की रेखाएं कहलाती हैं। व्यक्ति के अंदर अगर साहस नहीं है तो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा और कर्म नहीं करेगा
तो व्यक्ति को कर्म वाली रेखा यहाँ पर मौजूद अच्छी खासी यानी भाग्य रेखा में जाकर मस्तिष्क रेखा को बल देने वाली, साथ ही साथ बुध पर्वत के साथ एक बेहतरीन रेखा का संबंध यानी कि आप अपनी मेहनत के द्वारा धन प्राप्त करने कर करेंगे इस बात को दर्शाने वाली यहाँ पर अनुकूल रेखाएं आपके पास में मौजूद थी। तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। अब बात करता हूँ सेकेंड पर मंगल की, सेकेंड पर मंगल, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के यहाँ पर मुझे वो योग नहीं मिला जिससे कहते हैं कि मुकदमा, झगड़े, झंझट, ऐसा कुछ भी रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आई। चंद्र पर्वत को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत पर यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएँ आखिर तक नीचे के पर्वत तक जा रही हैं। जब चंद्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएँ होती हैं तो छोटी मोटी यात्राएं व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत लगी रहती हैं। यहाँ कोई अभी विदेश से जुड़ने का संपर्क कहीं से कहीं तक भी नज़र कुछ भी नहीं आया है। तो नीचे वाले चंद्र पर्वत से कुछ नहीं मिला, और साथ ही साथ जो आपकी दूसरी बात थी नज़ले वाली, उसका चिन्ह भी यहाँ नहीं मिला, यानी जल्दी ही कोई आपको उपाय उसका मिलने वाला है। तो चलिए ये सब हो गया, अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके पास में देखते हैं व्यापारिक रेखाएँ। यहाँ हल्के रूप से व्यापारिक रेखाएँ खड़ी हुई हैं, यानी कि आने वाले जीवन में ये रेखाएं आपको गहरे रूप से बनने वाली हैं, और जो आपके जीवन में आपको साथ ही साथ ये नीचे से एक शुक्र पर से भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो जो दूर पास के क्षेत्रों से मिला करके आपके जीवन में अच्छे खासे योग बनाएंगी। तो ये यहाँ दर्शाने वाली रेखाएं इस प्रकार को बताती हैं कि आपका आने वाले समय में जो है दूर पास की यात्राओं से संबंध बनेगा, और ये रेखाएँ और मजबूती से बनेंगी और आपको व्यापार से जोड़ करके आपके जीवन में उन्नति तरक्की दिलाएंगी। भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा बिल्कुल अलग से पैदा हुई, यानी दूर स्थानों से जा करके अगर आप नौकरी करें तो उसके साथ, साथ ही साथ नौकरी ना करें तो भागदौड़ के साथ जुड़ करके भाग्य रेखा, ये अनुकूलता से आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर चलती हुई 60 वर्ष तक पहुँचती है। तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है, यानी कुल मिलाकर जो आप कर रहे हैं अगर उसी काम को आप सुचारू रूप से आगे तक भी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो काम आपको बिल्कुल आपको अच्छा खासा सम्मान भी देगा, काम भी देगा और दाम भी देगा। तो कुल मिलाकर ये इस प्रकार का संकेत। तो भाग्य रेखा भी बोली मैंने आपकी, अब मैं बोलूँगा इसके बाद में आप सवालों को। 5 से 6 साल से नज़ले से परेशान हूँ, बिल्कुल मुक्ति मिलने वाली है, मैं एक और उपाय भी बता दूँगा उसके बाद तो बिल्कुल ही मिल जाइए। आपने कहा मेरा घर कब तक, यहाँ मैंने आपके हाउस को जब पढ़ना शुरू किया है तो ये देखिए ऊपर एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल जहाँ आपका बनता है ये आपके जीवन का यहाँ 51वां वर्ष है, यानी कुल मिलाकर के 51वें वर्ष के अंतर्गत आप 51 वर्ष के बाद अपना मकान निश्चित रूप से बना रहे हैं। यहाँ हो सकता है कि 2023 के बाद में 51 वर्ष के बाद में आप पहले प्लॉट लें और उसके बाद बड़ा भवन बनाने की तैयारी करें। तो कुल मिलाकर आपकी असली दशा यहाँ पर शुरू होती है मकान बनाने के लिए। तो ये आपके लिए मकान के लिए बताया मैंने। आपने कहा शेयर में ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ। शेयर मार्केट की रेखाएँ हमारे पूरे पूरे हाथ के अंदर मुझे कहीं पर भी विराजमान नहीं मिली। बुध का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है शेयर मार्केट के लिए, और वहाँ पर कोई अच्छी रेखाओं का खड़ा ना होना, बृहस्पति पर इस प्रकार की रेखाओं का खड़ा ना होना व्यक्ति को जीवन के अंदर शेयर मार्केट में नुकसान दिलाती है। तो कृपया करके मैं तो उसके लिए आपको मन ही करूँगा। आइए बात कर लेते हैं आपके एक और सवाल की, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ूँगा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करी आपने, एक हाथ मंगल पर्वत से ये रेखा निकल करके थोड़ा उठी है, दो रेखाएं तो यहाँ, और साथ ही साथ मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा, एक मंगल पर द्वितीय से निकलने वाली रेखा, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कंस्ट्रक्शन वाला काम आपका निश्चित रूप से बनता है, परंतु थोड़ा ध्यान रखें 2023 से पहले उसे, यानी 51 वर्ष से पहले उस काम में कृपया करके बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये यहाँ पर दिखलाने वाली स्थिति जो है वो मैंने आपको बता दी है सवालों की। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपके राहु पर्वत के बारे में। राहु का पर्वत जहाँ से अचानक धन प्राप्त होता है, यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी सी रेखाएँ दिखाई देती हैं, यानी कि लगता है कि आपका लगभग 51 वर्ष के बाद हो सकता है अच्छा खासा आपका काम चलने वाला है। अभी और मजबूती से यहाँ पर रेखाएँ बनेंगी तो अच्छी अनुकूल रेखाएँ वो आपके पास थी। बात कर लेते हैं उसके बाद में आपके यहाँ केतु पर्वत के बारे में। केतु पर्वत पर किसी प्रकार की साधना का चिन्ह, किसी प्रकार की आस्था का चिन्ह, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का या बहुत विदेश यात्राओं का अभी कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आता, धार्मिक यात्राओं का तो वो ऐसे चिन्ह यहाँ पर नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद चल कर के सीधा सीधा आपकी इस रेखा के बारे में। ये देखिए आपके 51वें वर्ष में
यह आपकी भाग्योदय करने वाली रेखा, यानी कि इस जीवन में यहाँ पर 51वें वर्ष में आपको काफ़ी श्रेष्ठता के साथ आपके जीवन का उदय होने वाला है। तो ये अच्छी रेखा यहाँ पर मौजूद है। मंगल रेखा संजीवनी रेखा होती है। ये संजीवनी रेखा पूरे हाथ के अंदर सुरक्षा कवच के रूप में आपके हाथ के अंदर मौजूद है। बहुत नीचे तक ये रेखा जा रही है, यानी कि जीवन के बहुत लगभग लगभग 70-72 वर्ष तक तो ये रेखा यहाँ पर कोई मुसीबत नहीं आने देगी। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा यहाँ पर बिल्कुल अनुकूलता के साथ में, थोड़ा शुरुआत में कुछ जीवन में कष्ट रहे होंगे और यहाँ कुल मिलाकर के ये जाकर के यहाँ रेखा बहुत बड़ी बंद तक पहुँच गई। यहाँ तो बहुत 90 वर्ष तक की आयु का संकेत दिखता है। तो आयु रेखा बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ इस प्रकार से मौजूद है। चलिए, आपके सारी रेखाओं सारे पर्वतों को पढ़ा, किसी बहुत बड़े रोग के संकेत मुझे यहाँ पर नहीं मिले। शुक्र पर्वत है, ये थोड़ा सा पीड़ित लगता है। शुक्र पर्वत भी जब इस तरह से पीड़ित होता है तो वो भी कभी कभी देखा जाता है। या आपके जो आप नज़ले वाली बात के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए शुक्र पर्वत का भी थोड़ा सा इन्वेंटमेंट आता है। अभी लगता है कि सुख सुविधाओं के लिए आप बहुत ज़्यादा मचल रहे हैं, संसाधन आपके पास सामान्य रूप से सब विराजमान है। संतान रेखाएं वो आपके हाथ से तो मुझे एक चमक रही है, बाकी ये ज़्यादा पत्नी के हाथ से ही पता लगता है। तो सभी तरीके से सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सभी चीज़ों का फल मैंने आपको बताया है। ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि आप रोग से कैसे मुक्ति पाएँ। इसके लिए दुर्गा सप्तती में आप लास्ट में जाकर के देखेंगे तो एक रोग नाशन मंत्र लिखा है, रोगानी शेषानी पहनसी तुष्टा रुष्टा तु सकलान मिष्टान, इस तरह करें। रोगान रोग का मंत्र है दुर्गा सप्तती में, रोग मंत्र, उसकी माला का प्रतिदिन आप माला का जाप करिए, यानी रोग नाशन मंत्र की प्रत्येक दिन माला का जाप करें। 1.25 लाख जप कर देंगे, जिस दिन पूरे हो जाएंगे उसी दिन आपका ये रोग छू मंत्र हो जाएगा। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा भी आपको करनी है और शनिवार के दिन शनि के मंदिर में जाकर के शनि का तेल का दीपक जलाएं, जिससे आपका कार्य स्वरूप अच्छी प्रकार से चलता रहे। तो यहाँ पर आपको वो करना है, शनि देव का दीपक आप जलाएं और उसके बाद हनुमान जी की पूजा करके आप आएँ या किसी भी भगवान के दर्शन करके आएँ। तो अंगूठी बता रहा हूँ वो केवल इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी रोग से छुटकारा, साथ ही साथ आपके कार्यों में बाधा ना आए, आप तरक्की करें, उसके लिए बता देता हूँ। एक तो आपको बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहनना है, जिससे आप सही निर्णायक क्षमता अपनी पलक बनाए रखें, और ये आपको चांदी में पहनना है। दूसरा आपको यहाँ पर पहनना है, यहाँ पंचधातु में पहन सकते हैं या चांदी में पहन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये फायर ओपल आपको यहाँ पर पहनना है, तो एक बेहतरीन सा फायर ओपल। अगर आपको दोनों रत्न मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आप मुझसे मंगा करके भी पहन सकते हैं। बस इतना पर करिए और फिर देखिए आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।